बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मुताला कुरानुल हकीम पराय सेकंड डे, सबक नंबर 7, सूरह निसा आयत 142 ता 176 के मश्के सवालात के इंतहाई आसान जवाब के साथ नॉलेज विद कलंदर की जानिब से खुश आते। तो चलो बच्चों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले खाली जगह पुर कीजिए। नंबर 1, मुनाफिकीन की सजाएं को जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे और वहाँ उनका कोई मददगार ना होगा। अल्लाह बुरी बात के इजहार को पसंद नहीं करता सिवाय जिस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। अहले किताब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि आप हमें खुलम खुला अल्लाह दिखा दें, तो उनके जुल्म की वजह से उन्हें बिजली ने पकड़ लिया। यहूद कहते हैं कि हमने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। अल्लाह ने उनके इस दावे की तरदीद की है कि उन्होंने ना ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि ये मामला उनके लिए बाइस इख्तलाफ कर दिया गया। अल्लाह ने गवाही दी है कि जो कुछ उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है, अपने इल्म से नाजिल किया है, और उस पर फरिश्ते भी गवाह हैं, अगरचे अल्लाह का गवाह होना ही काफ़ी है। अल्लाह ने तमाम इंसानों से खिताब फरमाया कि ए लोगों, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक लेकर आए हैं, बस ईमान ले हो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को हर किसी इससे कोई आर नहीं कि वो अल्लाह का बंदा होकर रहें, और ना ही मुकर्रब फरिश्तों को आर है जो अल्लाह की बंदगी को आर समझता है और तकब्बुर करता है, तो अल्लाह इन सबको इकट्ठा करके जमा फरमाएगा। सवाल नंबर 2, दर्जल सवाल के जवाब मुतलका आयात की रोशनी में तहरीर कीजिए। सवाल नंबर 1, आयात 142-147 में मुनाफिकीन की कौन सी बुरी आदत बयान हुई हैं, नेज़ उन्हें क्या वाइद सुनाई गई है और किस बात की दावत दी गई है। इन आयत मुबारक में मुनाफिकीन की मददजल बुरी आदत और सफात बयान हुई हैं। मुनाफिकीन अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन ये अपने मुनाफिकाना तर्ज अमल से अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। मुनाफिकीन की नमाजें महज दिखावे की होती हैं। मुनाफिकीन नमाज में सुस्ती और कहाली के साथ खड़े होते हैं और अल्लाह को बराए नाम थोड़ा सा ही याद करते हैं। ये मुनाफिकीन कफर और इस्लाम के दरमियान तज़बज़ब का शिकार हैं कि कभी मुसलमानों की तरफ झुकते हैं और कभी कफ्फार की तरफ झुकते हैं। मुनाफिकीन को वही इन आयत मुबारक में मुनाफिकीन को वईद दी गई है कि मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे, जहाँ सबसे ज़्यादा अजाब होगा, वहाँ उनका कोई मददगार नहीं होगा। मुनाफिकीन को दावत इन आयत मुबारक में मुनाफिकीन को इस बात की दावत दी गई है कि जो मुनाफिकीन सच्ची तौबा कर लें, अपनी असलाह कर लें, अल्लाह और उसके रसूल का दामन थाम लें, तो अल्लाह उन्हें माफ़ फरमा देगा और अहले ईमान के साथ जन्नत में दाखिल फरमाएगा। सवाल नंबर 2, आयत 150-152 में रसूलों पर ईमान लाने का क्या मफहूम बयान हुआ है, ने रसूलों के दरमियान तफरीक करने वालों के बारे में क्या जिक्र हुआ है। जवाब, इन आयत मुबारक में रसूलों पर ईमान लाने का ये मफहूम बयान हुआ है कि तमाम रसूलों पर ईमान लाने का हुक्म दिया है। जो लोग रसूलों के दरमियान तफरीक करते हैं, यानी बाज़ रसूलों को मानते हैं और बाज़ रसूलों का इनकार करते हैं, उनको पक्के काफिर करार दिया गया है, उनके लिए रसवाकुन अज़ाब तैयार किया गया है। सवाल नंबर 3, आयत 153-162 की रोशनी में अहले किताब की नाफरमानियाँ और अल्लाह की तरफ से उन्हें दी गई सजाएं बयान कीजिए। जवाब, इन आयत मुबारक में अहले किताब की नाफरमानियों और जराइम का जिक्र किया गया है कि यहूद ने अल्लाह से किए हुए अहद को तोड़ दिया, अल्लाह की आयत और मौजज़ात का इनकार किया, अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम को नाक शहीद किया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर तहमत लगाई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करने का दावा किया। यहूद ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आसमान से लिखी हुई किताब लेकर आने का मुतालबा किया और कहा कि जिस तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए थे, अगर आप भी उसी तरह की किताब ले आएँ तो हम आप पर ईमान ले आएंगे। अल्लाह ने यहूद को इंतहाई बिगड़ी हुई और नाफरमान कौम करार देते हुए फरमाया कि उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ा मुतालबा किया था कि हमें अल्लाह का खुलम खुला दीदार कराया जाए, फिर इस सरकशी की सज़ा में उन पर आसमान से बिजली गिरी, फिर उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया, लेकिन अल्लाह ने उन्हें फिर भी माफ़ फरमा दिया। उन्हें एक ही शहर में अल्लाह के हुज़ूर सरों को झुकाते हुए दाखिल होने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्होंने तकब्बुर किया और अपनी बड़ाई जताई। फिर उन्हें हफ्ता के दिन अल्लाह की इबादत में मशगूल रहने का हुक्म दिया गया, लेकिन उन्होंने इसकी भी नाफरमानी की। इसके अलावा यहूद लोगों को अल्लाह के रास्ता से रोकने, सूद खाने और लोगों का माल नाजायज़ तरीके से हड़प करने में भी मुलव्वस थे।
यहूद के जुराम और गुनाहों की वजह से उन पर पास हलाल चीज़ें हराम कर दिया गया, और उनमें जो लोग कुफर पर थे या अब कुफर पर जमे रहेंगे उनके लिए दर्दनाक आज़ाब तैयार करने की वहीद सुनाई गई है। सवाल नंबर 4, आयात 163-165 में किन अम्बिया कराम का जिक्र हुआ है? नेज़ अम्बिया कराम की बहिश्त का क्या मकसद बयान हुआ है? जवाब, इन आयत मुबारक में हज़रत मूह अलैहि सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहि सलाम, हज़रत इसहाक अलैहि सलाम, हज़रत याकूब अलैहि सलाम, हज़रत औलाद याकूब अलैहि सलाम, हज़रत ईसा अलैहि सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहि सलाम, हज़रत यूनुस अलैहि सलाम, हज़रत हारून अलैहि सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहि सलाम, हज़रत दाऊद अलैहि सलाम का जिक्र मुबारक किया गया है। अम्बिया कराम की बहिश्त का मकसद ये बयान हुआ है कि वो ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाएं और कुफर और नाफरमानी करने वालों को उनके बुरे अंजाम से डराएं, ताकि किसी के पास क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हुज्जत की गुंजाइश न रहे। सवाल नंबर 5, आयात 166-170 में हज़रत सैदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की किस तरह दावत दी गई है? नेज़ आपकी दावत का इनकार करने वालों के लिए क्या वाइद और सज़ा बयान हुई है? जवाब, इन आयत मुबारक में तमाम इंसानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान लाने की दावत आम दी गई है, और आप अल्लाह की तरफ से हक लेकर आए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने में सबका भला है। नेज़ आपकी दावत का इनकार करने वालों के लिए ये वईद और सज़ा बयान हुई है कि हक वाजा हो जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार करने वाले अपने अंजाम के लिए तैयार हो जाएं। सवाल नंबर 6, आयत 176 में विरासत के क्या अहकाम बयान हुए हैं? जवाब, इस आयत मुबारक में कलाला की मीराश के हवाले से अहकाम बयान हुए हैं। कलाला की मीराश के हवाले से आयत नंबर 12 में माँ शरीक बहन भाइयों का हिस्सा बयान हुआ था, जबकि यहाँ सूरह की आखिरी आयत में कलाला की मीराश में सगे हकीकी बहन भाइयों और बाप शरीक बहन भाइयों का हिस्सा बयान हुआ है, जिसके मुताबिक अगर कलाला की एक बहन है तो कलाला के तरके में से उसे आधा हिस्सा मिलेगा, बाकी आधा बैतुल माल में जमा होगा, जबकि फिका जाफरे के मुताबिक बाकी आधा भी उसी बहन को मिलेगा। अगर कलाला औरत हो तो वारिस सिर्फ भाई है, तो इस सूरत में भाई को बहन का सारा माल मिल जाएगा। अगर कलाला की दो या दो से ज़्यादा बहनें हैं तो उनको दो तिहाई हिस्सा मिलेगा। अगर कलाला के मुतअद्दिद भाई हैं तो हर भाई को बहन से दोगुना हिस्सा मिलेगा। सवाल नंबर 3, दर्जल सवालात के मुतसर जवाब तहरीर करें। अलिफ, ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से क्या गलू किया है? जवाब, ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से अपने दीन में यह गलू किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देकर खुदाई में शरीक कर लिया और 3 खुदाओं पर मुश्तमिल अकीदे तस्लीत ईजाद कर लिया। सवाल नंबर 2, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही अकीदा क्या है? जवाब, अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और रसूल करार देते हुए इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह के बेटे नहीं बल्कि हज़रत मरियम के बेटे हैं। अल्लाह ने उनको बग़ैर वालिद अपने कलमे कुन से पैदा किया। सवाल नंबर 3, अल्लाह को औलाद की हाजत नहीं, इसके लिए क्या दलील बयान की गई है? जवाब, इसके लिए दलील बयान की गई है कि माबूद सिर्फ एक ही है, उसका कोई बेटा या शरीक नहीं है। सवाल नंबर 4, अल्लाह की बंदगी के हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या बात जिक्र की गई है? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह की बंदगी के हवाले से जिक्र किया गया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने और उसकी बंदगी करने में कोई और नहीं। ईमान लाने और नेक अमाल करने वालों के लिए क्या जजा है? जवाब, अहले ईमान और नेक अमाल करने वालों को नेकियों का पूरा बदला मिलेगा और अल्लाह अपने खजाने फजल से मजीद भी नवाजेगा। सवाल नंबर 4, अल्लाह की बंदगी को और समझने और तकब्बर करने वालों के लिए क्या सजा है? अल्लाह की बंदगी से मुंह मोड़ने वालों और तकब्बर करने वालों को दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई गई है। अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए क्या अता फरमाया? अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए अपना रसूल और आखिरी किताब अता फरमाई है। अल्लाह पर ईमान लाने और मजबूती इख्तियार करने वालों पर क्या इनामात होंगे? जवाब, जो लोग ईमान लाए और कुरान हकीम को मजबूती से थाम लें, अल्लाह उन्हें रहमत और फजल से नवाजेगा और सीधे रास्ते की हिदायत नसीब फरमाएगा। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने ख़त्म पर पहुंचा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।